गुड आफ्टरनून बच्चों, माँ गुलजारी भरत प्राइवेट आईटीआई कंसो मऊ के इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम कॉलेज के माध्यम से अपने यहाँ के जो हमारा जो एरिया है उस एरिया के बच्चों को, जो बच्चे हमारे यहाँ कॉलेज में जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हमने एक रास्ते चुनने का आया है, जिसके माध्यम से आप लोगों को ये 2100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ 21 दिन में 80% सफलता की ओर, ये एक कदम सफलता की ओर ले जाने का प्लान बनाया गया है। इसमें आपको डेली जो है कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसका आंसर बताया जाएगा, जिससे हम जो है कि आज के कंपटीशन के दौर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो फिटर, आईटीआई फिटर में, इलेक्ट्रीशियन में, कोपा में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने का प्लान बनाया गया है। हम क्लास को शुरू करते हैं। कोई भी स्केल से या सेंटीमीटर स्केल से कोई भी पैमाना अगर हम यूज करते हैं और उससे हम माप को करते हैं तो वो हमारा प्रत्यक्ष माप होता है। तुलनात्मक माप क्या होता है? तुलनात्मक माप ये हमारा एक घरेलू उपाय है जो कि हम अपने यहाँ से दिमाग से सोच करके ये कर सकते हैं। ये कोई विधि नहीं है, एक वैकल्पिक विधि है। जैसे मान लीजिए कि तुलना करके किसी बच्चे को बता देना कि नहीं ये उसके बराबर ये चीज़ हो सकता है। तीसरा है रेडियस माप, ये एक डिवाइस के साथ किया जाता है। चौथा है अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप मतलब कि चीज़ों को जैसे पहले ज़माने में ये नहीं होता था किसी तरह से कि लोग माप करके लोग बता देते थे कि लाठी से जो ज़मीन होती थी वो लाठी से मापा जाता था, चीज़ों को हाथ से नापते थे लोग। तो ये होता है अप्रत्यक्ष माप। तो इनमें से कौन सी विधि नहीं है? तो पहला जो है कि प्रत्यक्ष, तीसरा रेडियस और चौथा अप्रत्यक्ष, ये तीनों माप की विधियाँ हैं। लेकिन तुलनात्मक जो है कि कोई माप की कोई विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन को। निम्न में से भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट क्या है? ये जितने भी लौह धातुएं पाई जाती हैं उन्हीं धातुओं का रूप होता है हेमेटाइट एस। तो इसके लिए जो है कि ये बताया जा रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, ये भारत में सबसे जाने वाला पाया जाने वाला हेमेटाइट कौन से रूप में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? पहला है मिश्रण, दूसरा है आयरन अयस्क, तीसरा है लोहा, चौथा है लोहा मिश्रण। आप लोग जानते हैं कि लोहा कितना ही इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे इस जो है कि इंडस्ट्रियल जगत में है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो हमारे भारत में पाया जाता है वो है आयरन अयस्क, तीसरा है ब्यूटेन फ्लेम तथा प्रोपेन फ्लेम के अतिरिक्त अन्य कौन सी फ्लेम सोल्डरिंग के लिए प्रयोग की जाती है? सोल्डरिंग के लिए जो है कि कई तरह की फ्लेम यूज होती हैं, तो ये बता रहा है कि ब्यूटेन फ्लेम तथा प्रोपेन फ्लेम के अतिरिक्त और कौन सी फ्लेम सोल्डर के लिए यूज की जाती है। पहला ब्यूटेन और दूसरा प्रोपेन फ्लेम बताया है, उसके अलावा और कौन सी फ्लेम यूज की जाती है? तो इसका आंसर होगा हमारा थर्ड नंबर, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम। एक बेटर है, बेस्ट जो है फ्लेम है सोल्डरिंग के लिए, बहुत अच्छी तरह से यूज किया जाता है ऑक्सीएसिटिलीन जो फ्लेम है। नए क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलन बोल का होल बनाने के लिए 40 ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, तो किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा होगा फोर्थ नंबर, मल्टी डायामीटर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। एलियन का जो बोल्ट होता है, बोल्ट का जो होल बनाया जाता है, होल बनाने के लिए 40 ड्रिल का प्रयोग किस डिवाइस के थ्रू किया जाता है? तो 40 ड्रिल का प्रयोग जो है कि मल्टीमीटर, मल्टी डायामीटर डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातुओं के स्प्रिंग निम्न में से किस यांत्रिक गुण के कारण बनाए जाते हैं? धातुओं के स्प्रिंग निम्न में से किस यांत्रिक गुण के कारण बनाया जाता है? पहला है देखिए टफनेस, दूसरा है इलास्टिसिटी, थर्ड है प्लास्टिसिटी, चौथा है कंप्रेसिबिलिटी। आप लोग जानते हैं कि टफनेस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी ये क्या होता है?
आपको हम इसको डिटेल से बता देते हैं। टफनेस, अगर टफनेस है किसी चीज़ में, टफनेस है तो अगर उसको हम किसी चीज़ से पीटेंगे या उसको हम ज़्यादा जो है कि रब करेंगे या खींचेंगे, तो या तो उसके जो धातु की जो सतह है या तो उस पर जो है कि निशान बन जाएंगे या उसमें क्रैकिंग आ जाएगी या वो टूट जाएगा। तब तक वो बियर कर सकता है जितनी उसकी बियरेबल कैपेसिटी होगी। लेकिन धातुओं का इलास्टिसिटी गुण ऐसा होता है, इलास्टिसिटी गुण ही कहता है कि धातुओं को अपनी प्रारंभिक अवस्था को छोड़ करके नए अवस्था को ग्रहण करना, और जैसे ही हम अपने भार को हटा लेते हैं, जैसे ही अपना बल को छोड़ देते हैं, धातु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए, यही तो इलास्टिसिटी है। आप लोग देखते होंगे स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को हम स्प्रिंग पे कोई बल लगा दें तो वो स्प्रिंग नीचे जाती है, लेकिन जैसे ही उस भार को हम हटा देते हैं तो वो स्प्रिंग अपनी जगह पे वापस चली जाती है। तो धातुओं का यही गुण है जिसके वजह से जो है कि स्प्रिंग या ट्रैक्टर वगैरह के आप देखते होंगे हल जो होते थे वो इस तरह से खींचने के लिए बनते थे। तीसरा है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है, आप प्लास्टिसिटी को भी जानते हैं कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण एक बार हम बल लगा दिए तो वो अपनी अवस्था को चेंज कर दिया, लेकिन बल को हटाने पर भी वो अपनी प्रारंभिक अवस्था को में वापस नहीं जा पाता है। जो उसने शेप को ग्रहण कर लिया नए शेप को, वह उसी शेप में रह जाता है। तो इसका उपयोग कई भी स्प्रिंग वगैरह के लिए नहीं किया जाता है। और चौथा है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को भी आप लोग समझ ही रहे हैं, कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि किसी भी वस्तु को कितना कंप्रेस करके हम उसमें कितना ज़्यादा फोर्स लगा करके उसके आकृति को चेंज कर सकते हैं। तो धातुओं में स्प्रिंग का गुण आप लोग जान गए, इलास्टिसिटी के कारण प्रत्यक्षता जिसे हम कहते हैं। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को निम्न में से किस रंग से लेपित किया जाता है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका आंसर लगभग आप लोगों को पता होगा। ब्लैक कलर, काला रंग से इसको जो है कि रंगा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर की अल्पतम माप कितने माइक्रोन की होती है। फर्स्ट ऑप्शन 1 माइक्रॉन, सेकेंड ऑप्शन 10 माइक्रॉन, थर्ड ऑप्शन 100 माइक्रॉन, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 10 माइक्रॉन। स्नेकों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, स्नेकों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो पहला है देखिए द्रवी, दूसरा है अर्धठोसी, तीसरा है ठोसी। मतलब स्नेक लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट होते हैं वो कितने अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो हम लुब्रिकेंट करते हैं, जैसे हमने किसी मशीन में भी लुब्रिकेंट डाला, मशीन को स्मूथली रन करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम जिस मिश्रण का प्रयोग करते हैं उसे ही तो स्नेक कहते हैं, उसे ही लुब्रिकेंट कहते हैं। तो लुब्रिकेंट हमारा किस किस अवस्था में पाया जाता है ये हमको बताना है। लुब्रिकेंट हमारा जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, किस किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये द्रव, अर्धठोसी और ठोस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। द्रवी को आप जानते ही हैं, जैसे द्रव लुब्रिकेंट जैसे मोबिल वगैरह डाला जाता है, अर्धठोसी जो होता है वो जैसे ग्रीस वगैरह होता है, और ठोस भी होता है लुब्रिकेंट जैसे पाउडर नुमा मटेरियल को जो पीस करके जो पाउडर नुमा, जैसे आप लोग कैरम खेलते हैं, कैरम पे जो हम पाउडर छिड़कते हैं वो भी एक लुब्रिकेंट का ही काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रेडियल या जर्नल बेयरिंग में लोडिंग कहाँ पर होती है। ये बेयरिंग का टाइप पूछा है, बेयरिंग का आप लोग जानते हैं, बेयरिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसी भी मशीन को रन करने के लिए जो हम धातु की जो बेयरिंग लगाते हैं स्मूथली रन करने के लिए। तो पूछा है कि रेडियल या जनरल बेयरिंग में लोडिंग कहाँ पर होती है। जब अभी आप लोगों जो थ्योरी क्लास चल रही है, जब उसमें बेयरिंग की क्लास पढ़ाई जाएगी तो वो उसमें आपको डिटेल में बताया जाता है।
अभी इसमें जो ऑप्शन है इसका आंसर हम वो बता रहे हैं आपको कि जो रेडियल या जनरल बियरिंग में जो लोडिंग होती है वो लोडिंग जो है होती है वो इसके अक्ष के समकोण पे होता है, बिल्कुल 90 अंश पे होता है ताकि अधिक से अधिक फोर्स लगाया जा सके। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज हम डेमो क्लास का देखते हैं। कम दूरी पर भार उठाने के लिए आप कौन सा हाइस्ट का प्रयोग करेंगे? ये भार उठाने के लिए जो हाइस्ट प्रयोग किए जाते हैं जिससे आदमी को जो है कम से कम मेहनत करके अधिक से अधिक काम को किया जा सके उसके लिए हाइस्ट प्रयोग किया जाता है। तो वही पूछ रहा है ऑप्शन में कि डिफरेंशियल चेन हाइस्ट, स्क्रू गियर्ड चेन हाइस्ट, वायर रोप हाइस्ट, रैचेट ऑपरेशन चेन हाइस्ट। डिफरेंशियल का आप मतलब जानते हैं, डिफरेंशियल जो होते हैं कि ये दो कम दूरी पे लेकिन ये समांतर जो लोड होते हैं उनको हटाने के लिए किया जाता है। स्क्रू गियर चेन हाइस्ट ये स्क्रू वर्क पे काम करता है, वायर रोप हाइस्ट ये जो होता है वायर लपेट करके उसके बाद जिस तरह से खींचा जाता है रस्सी से, लोहे की चेन होती है उससे खींचा जाता है, रैचेट ऑपरेटेड चेन हाइस्ट ये जो इसका आंसर होगा। सबसे कम दूरी पे भार उठाने के लिए हम फोर्थ वाला जो ऑप्शन है हमारा रैचेट ऑपरेटेड चेन हाइस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चन थे, अगला क्वेश्चन अगला क्लास हम लोग जो है कि उसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हमारा जो चैनल है माँ गुलजारी भरत ITI कंसो मऊ, आप वेबसाइट पे भी कॉलेज के लिए सर्च कर सकते हैं और इसे यहाँ पे आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाएगी। अभी जो है कि इलेक्ट्रीशियन